आज हम बनाएंगे बारिश के मौसम के लिए कुरकुरा चटपटा सा प्याज के पकोड़े। बिल्कुल नए तरीके से, खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो इस पकोड़े को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिए है मैंने 4 प्याज। प्याज को मैंने इस तरह से काट लिए और इनके जो स्लाइस है इनको सारे स्लाइस को अलग अलग से कर लेंगे। प्याज के स्लाइस को अलग करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जितना धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला ताकि इसका जो फ्लेवर है थोड़ा चटपटा लगे। फिर हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और हम डाल देंगे हरा धनिया। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर से ये बहुत ही कुरकुरा बनता है। फिर हम इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच बेसन। आप बेसन की जगह चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करते समय पानी का हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि प्याज से पानी निकलता है। तो ये रेडी है, इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे लिए मैंने 4 आलू। आलू को मैंने कद्दूकस कर ली है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 हरी मिर्च कटा हुआ, साथ में थोड़ा सा मैंने ली है गरम मसाला और चाट मसाला ली है, और आधा चम्मच मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च। और मैं यहाँ पे डाले हूँ थोड़ा सा पिज्जा हर्ब्स। इनको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये रेडी है। और ये जो प्याज है ये इसमें हम डाल देते हैं नमक। नमक हमको बिल्कुल टाइम पर डालना है, इसे ही पहले ही नमक नहीं डालना है, नहीं तो प्याज से पानी निकलने लग जाता है। तो ये प्याज भी रेडी है। अब ये जो आलू का स्टफिंग है इसको थोड़ा सा हम उठाएंगे। इसको उठाने से पहले हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेना है। फिर यहाँ पे मैंने मैदे का 4 चम्मच मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर घोल बना ली थी। इस घोल में हम डुबो देंगे और इस प्याज में हम रख देंगे आलू को और इसमें हम लपेट लेंगे प्याज को। फिर हाथों में उठाकर हम इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि प्याज जो है आलू में अच्छे से मिल जाए, सेट हो जाए। तो ये बॉल्स तैयार है। इसी तरह से मैं सारे बॉल्स बना के तैयार कर लूँगी। एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देते हैं ये बॉल्स जो मैंने बनाए थे आलू और प्याज के। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह से हम चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही कुरकुरा बनता है बारिश के मौसम के लिए। ये बहुत ही परफेक्ट है स्नैक्स के लिए। तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इनको निकाल देती हूँ। इसी तरह से मैंने जितने भी भजिया बनाए हैं इन सारी भजिया को मैं तल लूँगी। तो इस बारिश के मौसम में आप भी इस तरह से प्याज आलू के पकौड़े बनाइए और इन्जॉय कीजिए। खाने में टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।